तो दोस्तों ये है एसओएससी की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस सेशन 2024-25 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 9th और 11th की, उसमें कितने सेंटर हैं टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, प्रत्येक डोमेन वाइज किस डोमेन में कितने बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को होगा, कौन से सेंटर पे होगा, चाहे आपका एग्ज़ाम 19 को है, 20 को है, 21 को है, 27 को है या 28 को है, भाई पूरी डिटेल एसओएससी ने यहाँ पर दे दी। तो बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कमेंट करने से पहले, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एसओएससी की लगातार अपडेट मिलती रहती है। तो भैया यहाँ पर आपका जो हमारा सफ़र है वो लंबा होने वाला है। तो इस साल ये इन्होंने अच्छा किया है कि भाई 9th और 11th के जो सबके एग्ज़ाम एक साथ ही कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंडक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, यानी कि कंडक्ट ऑफ एसएससी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं 19 तारीख से एडमिशन इन क्लास 9th और 11th के लिए, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए, स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो डेट शीट है वो आपको इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ क्या है वो समझे, आपको किस सेंटर पे कितने बच्चे फॉर्म डालेंगे। तो जो 19 तारीख को पेपर होगा वहाँ पर आप देखेंगे तो कितने बच्चे देंगे पेपर, 17,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे 19 तारीख को, बड़ी भीड़ होने वाली है। तो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का और आर्म फोर्स का, अब मैं आपको ये भी क्लियर करूँगा कि आपको कौन कौन से सेंटर में जाना है, अभी बने रही वीडियो के साथ एंड तक। 43 सेंटर होंगे, 20 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें रहेगा पीसीबी और पीसीएम में, और ये रहेगा आपके लिए 30,000 बच्चे, भाई साहब हाई एंड 21st सेंचुरी, और इस टाइम पीसीबी में 30,000 बच्चों ने फॉर्म डाल दिए, भाई क्या मजाक हो गया, ये कमाल हो गया। अब आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी आपको बताऊँगा। तो भाई 66 सेंटर यहाँ पर दे दिए, जो आपका 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा ह्यूमैनिटीज़ का और स्टेम का, 36,000 भाई साहब 36,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो उस दिन 36,000 बच्चे पेपर देंगे। और सबसे उसके बाद हम कहेंगे, बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 27 तारीख को होगा वो होगा ह्यूमैनिटीज़ और आर्म फोर्स का, 30,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे 23। और सबसे बड़ा जो मेला लगेगा कुंभ का मेला वो लगेगा भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 9th स्टैम में 38,000 बच्चों ने, भाई साहब 38,000 बच्चों ने फॉर्म डाल दिए, और सेंटर कितने हैं भाई, पूरे 80 सेंटर है यार, ये बड़ा गजब हुआ। अब टोटल अगर मैंने इन्हें जोड़ा अभी, तो मैंने जोड़ा यहाँ पर तो 144,000 के करीब, 144,000 यानी कि 1,44,000। मैंने आपको पहले बताया था कि 1.5 लाख 1.25 लाख से ऊपर के फॉर्म भरे जा चुके हैं, 1.25 से 1.5, तो भाई फाइनली 1.5 लाख के करीब टोटल फॉर्म भरे गए। अब आपको यहाँ पर देखना है तो भाई किस सेंटर पे आपका जो है किस जगह पे पेपर होगा, चाहे आपका 27-28 तारीख को ही क्यों ना हो, पूरा यहाँ पर ध्यान से समझे। तो भाई जो भी सेंटर है ना वो सारे के सारे ऑथराइज हैं, इसलिए ये तो आप डाउट में ना रहें कि नकल होगी और आप नकल कर पाओगे या करवा पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जो है DVSE और बड़ी सख्ती से इन पेपर्स को करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिस्ट यहाँ पर दे दी है, लिस्ट दे दी है, और लिस्ट में क्या क्या है एक बार देखो। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट को होगा, कौन कौन से क्लास और कौन कौन से डोमेन का, फटाफट से मुझे कमेंट कर लीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे जो 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर कौन कौन से सेंटर होंगे। देखो भाई यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको सेंटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, या आप HOS का नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो यहाँ पर HOS का नंबर भी है। हालांकि आप ज़्यादा नंबर डायल ना करें, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर नंबर कॉलिंग करने लग जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है HOS को। बट आपको क्या करना है, अगर किसी स्कूल की अगर आपको लोकेशन जानी हो तो मेरा एक वीडियो डाला जिसमें आप प्रत्येक स्कूल की लोकेशन चेक कर सकते हैं, आप मुझे
पर्सनल इंस्टाग्राम पे या मैसेज कर दें, या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, या इसी वीडियो के कमेंट कर लें, या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो आईडी है, स्कूल की आईडी जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, और ये मतलब किस का एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर जो सेंटर नेम है कहाँ पर होगा आपका, ये लेफ्ट साइड में, और ये सिर्फ 19 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। देखो भाई यहाँ पर देखो, मतलब यार गजब हो गया। स्कूल के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्कूल का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। और ये देखोगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे भैया 20 तारीख को, तो 20 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम होगा हाई एंड 21st सेंचुरी और PCB, तो PCB 11th के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी लिस्ट है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है। अगर आपको पूरी लिस्ट है ये, तो आप हमारे टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने स्कूल हैं और कौन सी आईडी है, आप वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप वहाँ से मतलब कॉल कर सकते हैं। ये 20 तारीख को एग्ज़ाम है, और 20 तारीख को एग्ज़ाम मतलब 9th का भी होगा, 11th का भी होगा, इसलिए 9th और 11th के लिए हिसाब से इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। और टोटल कितने बच्चे उस सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, टोटल कितने बच्चे एग्ज़ाम पे मतलब सेंटर पे होंगी, ये भी आप अनुमान लगा सकते हो। तो कितनी बड़ी भीड़ होने वाली है भाई साहब, भीड़ तगड़ी होगी, ये आपको ध्यान रखना है भीड़ का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे HOS का नाम है, उसके बाद हमारे पास 21 तारीख की डेट शीट है, तो 21 तारीख को भी यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद बताऊँगा भाई आपकी लास्ट में कि आपको क्या बहुत इम्पोर्टेंट, आपको कौन सी बात को ध्यान रखना है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, और कैसे आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है। तो थोड़ा सा पहले मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँ, ये 21 तारीख की लिस्ट आ गई है, और ये 21 तारीख की लिस्ट सारे मतलब जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे, 27 और 28 तारीख का भी है यहाँ पर। ठीक है, ये 27 तारीख का आ गया है, और भाई 27 तारीख को भी बड़ा मेला है, और सबसे तगड़ा मेला है 28 तारीख को। और ये आप देखोगे तो ये पूरी मतलब यहाँ पर अभी 28 था, ये आगे भी 28 तारीख का है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन से स्कूल हैं, और आपका कहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, भाई मुझे कमेंट कर लीजिए क्लास वाइज, डोमेन वाइज, कौन कौन से डोमेन में आपका होगा। लेकिन अब ये देखो, मतलब यार 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म डाल दिए भाई, 1.5 लाख यार हल्की फुल्की बात नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। दोस्तों जो भी हो, भीड़ तो है, मेला तो है, और भाई इस मेले में आपको भी शामिल होना है, लेकिन लेकिन मेले में भीड़ में आगे चमकना है, और तैयारी अभी से लग जाइए। बाकी यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब इस मेले में जाएंगे तो यार अपने जो ज़रूरी सामान है वो बिल्कुल ना लेकर के जाएं, जो फ़ोन वगैरह है, अपना कीमती सामान है घर पे छोड़ें, एक दिन पहले सेंटर देख लें कैसे जाना है वो। बाकी आपको सेंटर की पूरी जानकारी हमारी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप सेंटर की पता लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है ना, आप ताकि आपको भटकना ना पड़े। लेकिन मैं फिर से कहूँगा फ़ोन ना लेकर के जाएं, आप अपने लिए अपना आधार कार्ड वगैरह पहचान पत्र साथ में लेकर के जाएं, पूरी डिटेल आप पहले से ही, ऐसा ना सोचें कि उसी दिन आप फोटोकॉपी करोगे, पहले दिन ही आप अपनी सारी चीज़ें अपने पास रख लें, और सेम डे में आराम से फ्रेंकली जाएं, मज़े से जाएं। चेकिंग बड़ी तगड़ी होती है, इसलिए आप टाइम से पहुँचे, ताकि आप टाइम से एग्ज़ाम दे पाओ। ऑल दी बेस्ट, और यार यस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आपका और हमारा सफ़र और लंबा होने वाला है। तो भाई शेयरिंग कर दो वीडियो को, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।